नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हमारा आज का सर्ग है पंचचत्वारिंशः सर्ग, अर्थात 45वां सर्ग अरण्य कांड से। और इस सर्ग में है सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवं नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम् आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रमभिधाव त्वं शरणैषिणं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषं न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम् तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुव यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते। अब इधर कुटिया में सीता और लक्ष्मण ने जब वो आर्तनाद सुना, पूरे वन में जो आर्तनाद गूंज उठा था मारीच की उस पुकार से, उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जानकर श्री सीता जी लक्ष्मण से तुरंत बोली भयभीत होकर, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार लेकर आओ, उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, शायद उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था, उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं, मैं घबरा उठी हूँ। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा या सहारा चाहते हैं, तुम जाओ और तुरंत उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़ते हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंहों के पंजे में फंस गया हो उसी प्रकार लगता है कि वो किसी राक्षस के वश में पड़ गए हैं, अतः हे लक्ष्मण तुम तुरंत जाओ। तो सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण ने जाने से इनकार कर दिया। तो अब लक्ष्मण के इस व्यवहार से वहाँ जनक किशोरी सीता बहुत क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु ही जान पड़ते हो, इसीलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्रीराम का विनाश चाहते हो शायद। लोभात्तु मत्कृते नूनम नानुगच्छसि राघवम व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्तिते तेन तिष्ठसि विश्रब्धम तम पश्यन् महाद्युतिम किं हि संशयम् आपन्ने तस्मिन्निह मया भवे कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत् प्रधानस्त्वमागतः एवं ब्रुवाणां वैदेहि बाष्पशोक समन्वितां अब्रवी लक्ष्मणस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव पन्नगासुरगंधर्व देवदानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भरता जेतुं न संशयः देवी देवं मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु
किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमं अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि। सीता लक्ष्मण को उलाहना देते हुए आगे फिर कहती हैं कि मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें इस समय प्रिय लग रहा है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति कोई स्नेह नहीं है, यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने न जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। विदेह कुमारी सीता की दशा भयभीत हुई हरिणी के समान हो रही थी। उन्होंने शोकमग्न होकर आंसू बहाते हुए जब ये सब बातें कहीं तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, हे विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथन में कोई संशय नहीं है। हे देवी, हे शोभने, देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगण में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात सोचने भी नहीं चाहिए। न त्वामस्मिन् वने हातुमुत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैर्बलवतामपि त्रिभिर्लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि हृदयं निर्वृत्तं तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तव आगमिष्यति ते भरता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः गंधर्वनगर प्रख्या माया तस्य च रक्षसः न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहेण त्वं त्यक्तुं महोत्सहे कृतवैराश्च कल्याणी वयमेतैर्निशाचरैः खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेही न चिन्तयितुमर्हसि लक्ष्मणेनैव मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना। तो लक्ष्मण भी सीता माँ को समझाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो भी वे श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो माते, आप संताप छोड़ दें, आपके पतिदेव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था, किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। हे सुंदरी, हे विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है, इस समय
आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। हे कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया था, उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। ये उन्हीं की कोई बदले की भावना है। हे विदेह नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं। अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये श्री राम का स्वर हो ही नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को संतोष न हुआ, उन्हें बहुत क्रोध आया और उनकी आंखें लाल लाल हो गईं। अब्रवीत परुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम अनार्या करुणारंभ नृशंस कुलपांसन अहम तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनम मह रामस्य व्यसनम दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे नैव चित्रम सपत्नेषु पापम लक्ष्मण यद्भवेत् त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यम प्रच्छन्न चारिषु सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेको अनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा तन्न सिध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथमिन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिभेक्षणम्। तो लक्ष्मण के समझाने पर सीता शांत नहीं हुई, अपितु उन्हें और ज़्यादा क्रोध आ गया, उनकी आंखें लाल लाल हो गई और वे उन सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। सीता गुस्से में बोली, ओ अनार्य निर्दयी क्रूर कर्मा कुलंगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है, इसीलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तू बड़ा दुष्ट है, श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं भला किसी दूसरे क्षुद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती। उपसंश्रित्य भरतारम कामयेयम पृथक जनम समक्षम तव सौमित्रे प्राणांस्तस्य क्षाम्य संशयम् रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः उत्तरम नोत्सहे वक्तुम दैवतम भवति मम वाक्यम प्रतिरूपम तू न चित्रम स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते विमुक्त धर्माश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकराः स्त्रियः न सहे ही द्रशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे। सीता लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारा ये सब प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि मुझे श्री राम के अलावा किसी और पुरुष की कामना नहीं है। तो सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी।
तो सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रियां प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली बातें कह देती हैं जाने अनजाने। तो हे विदेह कुमारी जानकी, आपकी यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है, मैं ऐसी बात सहन नहीं कर सकता। श्रोत्रियोर्भयोर्मध्ये तप्त नारा च सन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वने चराः न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो अहम् परुषम् त्वया धिक् त्वामद्य विनश्यन्तीम् यन्मामेवं विशंकसे। स्त्रीत्वाद् दुष्ट स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्तिते अस्तु वरानने। रक्षन्तु त्वाम् विशालाक्षी समग्रावन देवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वाम् सह रामेण पश्येयम् पुनरागतः। तो लक्ष्मण कहते हैं सीता से कि उनकी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ है, और चाहे जानबूझकर या अनजाने में कैसे भी कही गई है आपकी ये बात, लेकिन ये मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। तो इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने, मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँह से निकाली है, निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है, आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। हे सुमुखी, आपका कल्याण हो। हे विशाल लोचने, वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूंगा? शंका हो रही है मन में। लक्ष्मणे नैव मुक्ता तु रुदती जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यम तीव्र बाष्प परिप्लुता गोदावरीम प्रवेक्षामि हीना रामेण लक्ष्मण आबंधिष्ये अथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः पिबामि वा विषम तीक्ष्णम प्रवेक्षामि हुताशनम न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे। इति लक्ष्मणम् आश्रित्य सीता शोकसमन्विता पाणिभ्यां रुदति दुःखादुदरं प्रजघानः तामार्तरूपां विमना रुदन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्रां आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तं भ्रातरं किञ्चिदुवाच सीता। ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः सा मैथिली
जगाम रामस्य समीपमात्मवान। तो जब लक्ष्मण ने जाने का निर्णय कर लिया, लेकिन आशंका व्यक्त की कि मुझे अंदेशा हो रहा है कि पता नहीं मैं लौट कर आपको यहाँ आश्रम में सकुशल देख पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं बाध्य हूँ अब आपकी आज्ञा मानने पर। तो लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी, उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, हे लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विषपान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त देखकर, रोती देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़ कुछ झुक कर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग हम यहाँ पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथावस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए, अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।